इतिहास में 25 जून का दिन भारत में एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह रहा है। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी, जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया था, जिसको लेकर मसूरी में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया गया है। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। आज हम इस दिवस को इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस द्वारा अपने निजी स्वार्थ को और सत्ता में बनाए रहने के लिए उन्होंने जो है एमरजेंसी लागू की, लोगों को हितों को नजरअंदाज किया। किस महीने ये कार्य लगा रहा, एमरजेंसी लगाई रखी और सत्ता में बैठे रहे, तो क्या इस तरीके का दुरुपयोग कांग्रेस सरकार ने उस वक्त किया, तो उसके उसमें हम लोग इस काला दिवस को मनाते हैं। क्योंकि इवन मीडिया की आज़ादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, राजनीतिक दलों की आबादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और ऐसे काल को काला दिवस के रूप में मनाने का निश्चय हमारे संगठन ने किया है और पूरे भारत में आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।